नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केटोकोनाजोल लोशन के बारे में। केटोकोनाजोल लोशन एक कॉम्पोजिशन है। आप बाजार से इस कॉम्पोजिशन के विभिन्न ब्रांड के केटोकोनाजोल लोशन पा सकते हैं, जैसे हेगडे एंड हेगडे फार्मास्यूटिकल LLP का KZ लोशन जिसका MRP है 295 रुपए, इपका का केराग्लो AD लोशन, केटो लोशन, केवन लोशन, कैंस लोशन, केटो स्टार लोशन आदि बहुत सारी ब्रांड आपको मिल जाएगी। आज हम इन सब की फायदे, यूज करने की तरीका और साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। केटोकोनाजोल लोशन एक एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से त्वचा पर फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। केटोकोनाजोल कई तरह के फंगल संक्रमणों के इलाज में कारगर है, जैसे टिनिया कॉर्पोरिस अर्थात दाद, टिनिया क्रूरिस यानी जौ खुजली, और टिनिया पेडिस या एथलीट फुट। इसके अलावा केटोकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल आमतौर पर सेबोराइक डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए भी किया जाता है, जो एक त्वचा की स्थिति है जो लाल पपड़ीदार खुजली वाले पैच का कारण बनती है, खासकर खोपड़ी, चेहरे और ऊपरी शरीर पर। केटोकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल डेंड्रफ के इलाज के लिए भी किया जाता है, जो अक्सर मेलासेजिया नामक ईस्ट जैसे फंगस के कारण होता है। केटोकोनाजोल त्वचा की परत, स्केलिंग और खुजली को कम करने में मदद करता है। केटोकोनाजोल लोशन टिनिया वर्सिकुलर के उपचार में प्रभावी है, जो एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा पर छोटे फीके धब्बे पैदा करता है। केटोकोनाजोल में हल्के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं, जो त्वचा के संक्रमण से जुड़ी लालिमा और जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं। केटोकोनाजोल लोशन को डॉक्टर के निर्देशानुसार उपयोग करें। आमतौर पर ये दवा सुरक्षित और अच्छी तरह से सहन किया जाता है। इसे सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जाता है, जिससे ये संक्रमण स्थल को लक्षित करने में प्रभावी होता है। आमतौर पर लोशन को प्रभावित क्षेत्र पर एक या दो बार लगाया जाता है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने और संक्रमण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारित आहार का पालन करना महत्वपूर्ण है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये लोशन कुछ लोगों को त्वचा में जलन, लालिमा या लगाने वाली जगह पर खुजली जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं तो अपनी डॉक्टर से सलाह लें। केटोकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर के बताए अनुसार करें और इसे निर्धारित स्थितियों के अलावा किसी और स्थिति में इस्तेमाल करने से बचें। तो दोस्तों, अगर आप भी ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना राय हमें दें। तब तक के लिए नमस्कार।